कि आज दे दौर दे विच लोकी डिप्रेस्ड ज़्यादा क्यों ने, मेंटली अपसेट क्यों ने, साढ़े बुजुर्गों विच यह जा क्यों नहीं सीगा, ते सीगा भी ते उन्होंने किदा वो हैंडल करते सी। तुसी देखो कि अज दी रेट दे विच जिहड़ा ह्यूमेन स्ट्रगल आ उहदे विच सॉलीट्यूड काफ़ी हद तक हावी हो गया, कल्लापन। ते सब तो पहला ये पुरातन नाले अज दे टाइम दी एक चीज़ है, मतलब भी अम्बलीकल कोड हुंदा जिहड़ा जदों कट्टिया जांदा नॉर्मल ह्यूमन दे जिहड़ा इमोशन आउंदा, जिन्हों आप पंजाबी च नाड़ू कह दें, मदर दी वूम तो जदों बच्चा सैपरेट हुंदा, जदों अम्बलीकल कोड कट्टिया जांदा ते पहला इमोशन जिहड़ा हुंदा वो हाउ विल आई सरवाइव, ये आउंदा। ते वो डर दा जिहड़ा इमोशन आ वो जदों बंदा जदों तक खत्म नहीं हो जांदा इस फानी संसार तों, उस इमोशन नूं अपने नाल कैरी करके रखदा है कि हाउ विल आई सरवाइव, हाउ विल आई सरवाइव। वो अपने खाली पन नूं, मतलब हर थां ते कंपनी चाहीदी है, सोसाइटी चाहीदी है, एक्सेप्टेंस चाहीदी है, इन्हां सारियां चीज़ां दे विच एट द एंड जां शुरुआत सानूं बाबे ने सिद्धांत दिता, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ईड़ी नूं सिहारी उत्ते अदख कक्का पा के एक नहीं लिखिया, इकाई वाला एक लिखिया। सो बेसिकली ओही मूल मंत्र दे विच स्वै भंग जिहड़ा निज सरूप है साडा, आत्मा चो परमात्मा दे सरूप दा अनुभव करना, सारा कुछ एक आ, मतलब लाइटनेस डार्कनेस तो परन, उस चीज़ नू एक्सेप्ट करना, जिवें ओही चीज़ नू फिर अगे जाके गुरु तेग बहादुर साहब नौवें महल्ले दे श्लोकां दे विच दसदे ने, जग रचना सब झूठ है जान ले ओए मीत। ओ फिर जिवें रेत दे नाल कंपैरिजन कीता कि रेत दे कतरिया वांग सब कुछ थिर जाना, पानी दे बुलबुलियां वर्गी चीज़ आ, एट द एंड ये सारी इल्यूजन आ, असी जो साढ़े अंदर आ। हुण अज दी रेट दे विच की है जिहड़ी तुसी गल जिथों क्वेश्चन कीता सी असी स्टार्ट करदे हाँ, बाहर दियां जंगां तां हर कोई जित्तण दी कोशिश करदा, फिजिकल कॉम्पीटिटिवनैस, मैंटल कॉम्पीटिटिवनैस, बट जिहड़ी आत्मक बल है, जिहड़ा कंपैशन है, जिहड़ा लव है, जिहड़ा सुकून आ जिंदगी दा, जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है। हुण गुरबाणी च जिदा महाराज कहिंदे आ, राज देवे कौण वडाई, भीख मंगाई क्या घट जाए, धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे, भैखारी ते राज करावे राजा ते भैखारी। मतलब ये वेव्स नहीं, वेव उपर आउंदी है थले जाउंदी है, क्रैस्ट है, डिप्रैशन है। हुण तुसीं जिवें डिप्रैशन दी गल कीती, चार साइकल हुंदे ने, रिसैशन हुंदा है, डिप्रैशन हुंदा, फिर रिकवरी हुंदी है, फिर बूम हुंदा, उपर टॉप है। मतलब समतल दे उत्ते आके एट द एंड तुसीं जदों कंप्लीट न्यूट्रल हो जांदे हो, ना तुसीं पॉजिटिव हुंदे हो, ना तुसीं नैगेटिव हुंदे हो, ना तुसीं दिन दे नाल फैसीनेट हुंदे हो, ना तुसीं रात दे नाल फैसीनेट हुंदे हो, मतलब तुहाडे लई उस्तत वी उहो जिही है, निंदिया वी उहो जिही है, सुख वी उहो जिहा, दुख वी उहो जिहा। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਥਿੰਗਨੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਹੈ,
क्योंकि ये चीज़ा बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इस चीज़ को बाबे नानक ने जपजी साहब के विच इनफिनिटी को पहले डिफाइन करता सी, ये अंत ना जाने कोई, बहुता कही है बहुता होए, जिथे तक असी इमेजिन कर सकते हैं ये बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ा ने, अनलिमिटेड पावर अनलिमिटेड एनर्जी है। इस बॉडी दियाँ जड़ी ह्यूमेन बॉडी है इदियाँ कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं क्योंकि ये शरीर जड़ा है नाशवान है, बट जड़ी अंदर दी सोल है वो इन्नी ज़्यादा पावरफुल है कि उस सोल दी कोई भी लिमिटेशन नहीं है।